तू लड़की पों पों पों, मैं लड़का पों पों पों। परदेसी जाना नहीं। एंड चेक दिस आउट, राजस्थान में ऐसे वोट होते हैं भाई। एक्चुअली गाइस पूरी बस में मैं ना खड़ा खड़ा आया हूँ यार। हमारी तो रहेगी। अपॉइंटमेंट लो पहले, अपॉइंटमेंट लो। यहाँ पे हनुमान जी का ना स्पेशली इतना बड़ा और इतना आलिशान सिंहासन है यार, मैं क्या बताऊँ आप। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप क्या सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी सिनेसा है, फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 1:30 बजने वाला है। सो मस्त खा पी के नहा धो के रेडी हो चुके हैं। सो अभी कहीं निकल रहे हैं भाई, एंड साथ में भाई दीदी दीदी की ननद एंड सासू माँ जा रही हैं उनकी, और मैं भी जा रहा हूँ। सो हम जा रहे हैं भाई यहाँ से ना थोड़ा पास में एक ना शहर टाइप है भाई, सरदार शहर। सो वहाँ पे ना एक मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। एंड आते हुए एक जगह और है, वहाँ भी घूम के आएंगे। उसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, उसके बारे में दीदी बताएगी। सो वहाँ जाने के लिए मैं तो रेडी हूँ कम्प्लीटली, बाकी सब रेडी हो रहे हैं। जो मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ ना गाइज, वहाँ करीबन आज से मैं ना 10-12 साल पहले गया था पापा जी के साथ में, और ना इतने टाइम के बाद ना अब जा रहा हूँ भाई। लिटरली ना ऐसी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और गाइज मैं ना कल से आया हुआ हूँ, एक भी मोर नहीं देखा, आवाज़ ही सुन रहा हूँ लगातार आपको। मैं ना सुबह की बात बताता हूँ, हम सब ना यहीं सो रहे थे भाई, लिटरली भाई शाम को ना इतनी ठंडी ठंडी हवाई चल रही थी, इतनी ठंडी हवाई चल रही थी। तो यार गाइस रेडी हैं जाने के लिए, ये सब भी रेडी हो चुके हैं। सो भाई आंटी जी नहीं जा रहे, बताओ क्यों नहीं जा रहे? मम्मी जी को लगता है ये घर को चुरा के ले जाएगा। मेरे को लगा वो जाएंगे, तब मैंने बोल दिया व्लॉग में कि वो जाएंगे। नहीं गर्मी हो रही है तो गर्मी में उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए। अच्छा धूप ज्यादा है। हाँ सो निकलते हैं भाई, रास्ता पता है ना, बिकॉज यार मेरे को भरोसा नहीं हो रहा इनके साथ जाने में। पूरे चप्पा चप्पा जानते हो सरदार सर का। देखते हैं सक्सेसफुल होती है नहीं होती ट्रिप। सोना गाइस गांव के ना बस स्टॉप पे आ चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं। बस आ जाती है, देन बैठ जाते हैं भाई। चुक 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 चुक। सॉरी ये तो ट्रेन की आवाज़ है, ये बस की आवाज़ है। पोम 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 हो गया था, तू लड़की पोम पोम पोम, मैं लड़का पोम पोम पोम। तो भाई फ्री थे तो क्या करते हैं, ये भाई बैठे हैं। इसे चिल्ली एक बार, पहले से सुना था, अब खुद बजा के देख रहा हूँ मैं। कैसे हो गई, सॉरी भाई मार दिया। तो गाइस कौन सा सुनाऊं, परदेसी जाना नहीं। खराब तो नहीं हो जाएगा ये, कहीं मैं ऐसे कर रहा हूँ खराब हो जाए। परदेसी ऐसे लग रही है, खुजली हो रही है, मच्छर आ रहे हैं। अब भाई बजा के दिखाएगा। ये भी गाइस कहीं ना कहीं ना आर्ट है गाइस। सो भाई बजा रहा है, हमारे भी टाइम पास हो रहा है, एंड भाई के भी ना प्रैक्टिस हो रही है। चलो गाइस बजाते बजाते ना, और सुनते सुनते बस आ चुकी है, चलो भाई बैठते हैं इसमें। सो भाई बस से उतर चुके हैं, एंड चेक दिस आउट, ये सामने वाली बस अपनी। सो भाई पहुँच चुके हैं फिलहाल सरदार सर। तो भाई पहले ना मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर के लिए पहले ना ऑटो लेना पड़ेगा। एंड चेक दिस आउट, राजस्थान में ऐसे ऑटो होते हैं भाई, एंड पीछे से ऐसे मैं पीछे बैठ जाता हूँ। कोई ना आगे पे जगह भी तो नहीं है ना, एंड पीछे से सारा व्यू आएगा। लिटरली गाइस पूरी बस में मैं ना खड़ा खड़ा आया हूँ यार, ऑलमोस्ट एक घंटे से ना ज़्यादा ही होगा यार, लिटरली थक गया यार। ओ भाई और नींद ने भाई साहब, नींद खा रही है नींद। सो अभी है ना मेन हाईवे है भाई, यहाँ पे ना ऑटो चेंज करना पड़ता है मंदिर जाने के लिए। एंड हम कौन से मंदिर जा रहे हैं मैं आपको बताया, तो हम जा रहे हैं भाई श्री इच्छापुण बालाजी मंदिर, जो कि गाइस सरदार शहर में ना काफ़ी फेमस मंदिर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन में मैं भी गया था, सब ने इतने टाइम के बाद अब जाने का मौका मिल रहा है। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं, एंड चेक दिस आउट गाइस, ये रहा मंदिर श्री हनुमान जी का। इनका हाल चेक करो, मेरा सही है, मेकअप भी सही है, मेकअप सारा उतर गया है, धूप काफ़ी है। अब जाके पहुंचे हैं भाई, 3:15 होने वाले हैं। ये मेन हाईवे रोड है भाई, पता नहीं है कौन सा रोड है। ये कार आ रही है, आए जा रही है, क्या सीन है ये? चलो भाई चलो। दीदी आप पहली बार आ रहे हो, सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। अच्छा पहले कब आए थे? राधे जी के साथ। अच्छा पहले भाई दीदी जिया जी के साथ आई थी,
अब सेकंड टाइम हमारे साथ आ रही है। सही है भाई मंदिर, वाह यार। जूते वगैरह कहाँ निकालने हैं? बाहर से तो वो बाहर से कोई उठा के ना ले जाए। नहीं, उठा के भी पैर चलेंगे। अच्छा, अंदर कहाँ है निकालने का? मंदिर में आ चुके हैं भाई, क्या खुशी हो रही है, वाह। एंड दिखाऊंगा भाई कितना भव्य मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी का ना स्पेशली इतना बड़ा और इतना आलिशान सिंहासन है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं अंदर शूट करना अलाउड नहीं है ना? पता नहीं, अंदर शूट करना अलाउड नहीं मेरे हिसाब से, मेरे को याद तो आ रहा है। अरे ऐसे तो लेके जाऊँगा शायद, देखते हैं भाई। यहाँ निकाल दो जूते, यही निकालना पड़ेगा भाई। इतना तो गैज मुझे याद आ रहा है, जब मैं पापा जी के साथ आया था ना, तब ना ये मंदिर बन रहा था यार। एंड अब देखो भाई, अब जाके कंप्लीट हो चुका है। तो भाई मंदिर से बाहर आ चुके हैं दर्शन करके, एंड यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है अभी, जो कि भाई ज़रूरी होता है आने के बाद। तो यार अभी थोड़ा ना घूमा नहीं है मंदिर, अभी घूमेंगे, इनका एक बार फोटोशूट हो जाए तो उसके बाद घूमेंगे भाई पूरा मंदिर। सो भाई लगे हाथ थोड़ा बहुत, मैंने भी करवा लिया फोटोशूट। सब ना इस साइड जा रहे हैं मंदिर के राइट साइड। अब क्या चाहिए आपको? हमारी तो अपॉइंटमेंट लो, पहले अपॉइंटमेंट लो। कोई वो नहीं है, चलो भाई अच्छा लो ना फिर। और यहाँ पे ये नारियल बांधे हुए हैं। अभी गाइस मंदिर के ना इर्द गिर्द घूम रहे हैं, देख लो भाई कितना शानदार मंदिर बनाया हुआ है। गाइस मैंने ना सॉक्स पहनी हुई है, एंड ये सब नंगे पांव हैं। ये सभी भाग रहे हैं भाई, बच्चे लोग सभी भाग रहे हैं। आपके पाँव नहीं चल रहे क्या दीदी आपके? नहीं मैं वाइट वाइट में चल रही हूँ, वाइट वाले इतने गर्म नहीं है। अच्छा, मेरे को लगा दीदी किसी और प्लेनेट से आई है। नहीं सीरियसली, चलो भाई वाइट वाले पत्थर में चलोगे तो गाइस पैर नहीं चलेंगे आपके। मंदिर बनाया हुआ ना भाई इतना बढ़िया तरीके से, ऊपर से एक्सटीरियर सुपर भाई, सुपर लिटरली। कभी आप ही विजिट करना भाई, बहुत अच्छा और प्यारा मंदिर है मेरे हिसाब से। गाइस अब ना ये कम्प्लीट हो चुका है, कोई काम वगैरह तो नहीं रखा होगा। एंड यहाँ देखो भाई बिल्कुल पास में गार्डन है ताकि लोग वगैरह बैठे। अब ना गाइस मंदिर के आसपास तो घूम लिया है, अब साइडों में चलते हैं। एक और तिलक, इसके पैसे देगा तू घर जाके। जय बजरंगबली महाराज की जय। और यहाँ पे गाइस हनुमान जी का ये धुना चल रहा है। मेरे गाइस अब ना दो तिलक हो चुके हैं माथे पर, एक चंदन का आई थिंक, पहले चंदन का लगाया था तिलक। अच्छा, और अब हनुमान जी का ऑरेंज कलर वाला। गाइस तिलक चेक करो, मेरे दो हैं, मेरे भी दो हैं। दीदी के तीन निकल चुके हैं, भूति भी लगाई है, एंड इनके देखो इनके चार निकाल दिए। तेरे भी है, तीन है तेरे भी, एक दो तीन। तीन क्यों है? मैंने भूति लगाई है ना, एक सिंदूर एक चंदन। भूति मैंने ऐसे चटाई नहीं किया, मेरे को चटाई भी लगाई हुई है। लगा कब दी भाई? तेरे को पता ही नहीं चला, इसे बोलते चोरो चोरो। कहाँ पे है? इस साइड है, चलो भाई। अब गाइस कह रहे हैं गणेश जी का मंदिर देखने जा रहे हैं। ओ भाई गाइस गणेश जी की मूर्ति देखो, वाओ यार ये बनाई कैसी हुई है? पेड़ जैसा लग रहा है कुछ, मेरे को पेड़ नहीं है, हाथी देखा? हाथी हाँ, वो तो
सारी वो ऐसे कट्टू कट वो लकीरें दी हैं। यहाँ गाइस काफी ना दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सारे भाई मालदार हैं, बोले तो बानी वगैरह इतने भी है ना, वही आते हैं यहाँ पर मेनली। एंड इस कार को भाई पता नहीं क्यों इसमें शोकेस किया हुआ है, ये कार को इसमें क्यों बंद किया हुआ है पता नहीं। तू चलाना ले इसलिए, मेरे को वैसे भी नहीं चलानी आती अगर ये बाहर होती तो। सो गाइस अब आपको ना ऑलमोस्ट पूरा मंदिर घुमा दिया है भाई, दर्शन कर लिया हमने। इधर भाई ये होटल है जहाँ पे अगर जो लोग बाहर से आए होते हैं तो उनके खाने पीने के लिए। अब गाइस यहाँ की लास्ट चीज ये वाला होटल, यहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग भाई खाना खा रहे हैं। ये तो स्वीट्स की शॉप लग रही है भाई। ओह ऐसा है क्या ये तो ऐसा है भाई सीन। कुछ खाना है क्या? देसी लोग हैं, देसी लोग देसी ढाबे में बैठ के खाते हैं, इतने बड़े रेस्टोरेंट। कुछ खाना तो खा लो, गोलगप्पे हैं दीदी, गोलगप्पे भी हैं। मैं पूरी देसी हूँ, मैं बाहर खाऊंगी खड़ी होकर। तो यहाँ भी खड़ी होकर खा लेना, यहाँ कौन से आपको कुर्सी देंगे? रेडी पे खाना मैंने, बाहर खाएंगे। बाहर खाओगे? रेडी पे खड़े होके। चलो फिर चलो, थोड़ी सी चक्के फ्री में दिलवाऊंगी, पापड़ी चार यहाँ भी मिल जाएगी फ्री में, तो चार पापड़ी फ्री में ले देंगे। जैसे भाई अंदर गए थे ना वैसे बाहर आ चुके हैं, कहते भाई हम बाहर कुछ खाएंगे, अगर बाहर गोलगप्पे वाला ना हुआ तो। ठीक है भाई देखते हैं। अब इतने सारे शूज में मैं जूते कहाँ ढूंढूं मैं? अरे भाई मेरे जूते, शुक्र है मिल गए ये रे भाई। तो भाई मंदिर के बाहर ना एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ आके बैठ चुके हैं। यहाँ पे भाई इनको कुछ ना समोसे वगैरह खाने हैं। सही है भाई, इनके साथ साथ मैं भी खा लूँगा। करो फिर ऑर्डर, मैं घेवर खाऊंगी। हाँ तो घेवर ही खाएगी तो। लो भाई छोले समोसे आ चुके हैं, इन पर पता नहीं भाई क्या क्या डाल रहा है, पता नहीं खाने में गाइस कैसा होगा। सो भाई होटल पे भी खा पी लिए, सब निकल रहे हैं घर के लिए। फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 4:15 होने वाले हैं, एक घंटा हो गया हमको कम्प्लीट। ये मेरा चश्मा लिया इसने। अरे साइड में हो जाओ, रोड है। तो अभी बस ना गाइस घर निकल रहे हैं। यस एंड इस साइड जाना है हमें, सरदार सर गोमचक्का रोड डन। एंड गाइस जो ये मंदिर है ना ये भाई सबकी इच्छाएं पूरी करता है, तो आप भी कभी आना। मैंने लिए मैंने तो अपने लिए इच्छा मांग लिया भाई। एक सेकंड चलो, बस इच्छा पूरी हो जाए भाई, मज़ा आ जाएगा। हमको इस साइड जाना है, ये मोड़ नहीं रहा भाई। बाय बाय मंदिर, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे भाई फैमिली के साथ। तो गाइस फिलहाल टाइम हो चुका है 5:30 हो चुके हैं भाई। सो उसके बाद ना बस आ चुकी थी, बस में बैठे देन अब फिलहाल घर आए हैं भाई। और मैं तो सो गया था भाई, जाते हुए मेरे को सीट मिली नहीं, आते हुए सीट मिल गई थी, तो मस्त सो के आया भाई आधा घंटा। थोड़ी थकान उतर गई है, अब जाके देखते हैं भाई मुँह वगैरह धोएंगे फिर सो जाएंगे, देख लेंगे फिर तो क्या सोएंगे यार। तो यार फिलहाल टाइम यार 5:30 हो जाएंगे, काफ़ी टाइम ही चला गया हमारा। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो भाई देसी तरीका, हम सिरसा वाले हैं भाई, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए। सिरसा वाले क्यों, अरे कोई कहीं भी ऐसे मिलता ना भाई हाथ वगैरह पहुंच लेते हैं।